देख रहे हैं आपकी खबर। लोग कहते हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लोगों का विकास होता है, लेकिन हम आपको ऐसी जगह पे आज ले चलेंगे जहाँ पे विकास तो हुआ लेकिन आधा अधूरा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि जो पात्र थे अपात्र हो गए, अपात्र पात्र हो गए, ये कोई नया मामला नहीं है। ऐसे मामले सभी जिले के ग्राम पंचायतों में देखने को मिलता है। आज हम आप सबको ले चल रहे हैं अनूपपुर ज़िले के एक ऐसे ग्राम पंचायत क्षेत्र में जहाँ पे आदिवासी पर क्षेत्र है और बहुमूल संख्या में यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। ये मामला अनूपपुर ज़िले से 25 किलोमीटर दूरी में बसे हुए पयारी ग्राम पंचायत और कदम टोला कौन से गांव के हो के उन ये आपका शौचालय कब बना था? गांव का है जहाँ पे विकास के नाम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वंचित है। और यदि थोड़ा बहुत विकास हुआ है तो सेक्रेटरी बनाए क्यों नहीं है? उसको हम तो सीधे हम गांव के बोल रहे आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा स्थानीय लोगों से ही सरपंच भी बात कराते हैं कि मीडिया के सामने उन्होंने क्या बात सरपंच ने क्या जवाब दिया फिर बात रखा। देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में विकास तो फिर अभी ये बनाएगा कौन इसको का मुद्दा इसको सेक्रेटरी सरपंच लोग बनाएंगे तो ये मानते किसी गलती है इसमें? इसमें उन्हीं लोगों की गलती है, सेक्रेटरी सरपंच की गलती है। का नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चंद्रभान गुप्ता है। अच्छा, ये तुम्हारे किसके नाम से बना हुआ है? ये मेरी अम्मा के नाम से बना। का नाम है अम्मा का? बिट्टी भाई गुप्ता है। जो इस रोड से शायद इस गांव को जाने वाले थे तो हमने इनको रास्ते में रोका और पूछे कि जिस रास्ते से आप आ रहे हो तो क्या ये रास्ता सही है या फिर उबड़ खाबड़ है या गड्ढे गड्ढे हैं। तो इन्होंने ये भी बताया कि ये रास्ता लगभग देखा जाए तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तब इस गांव में हम लोग पहुंच पाते हैं परेशानी को झेलते हुए। तो सीधे उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या दिक्कतें आती हैं। आप इसी गांव से हैं या किसी दूसरे गांव से हैं? जी सर, मैं इसी गांव से हूं। हम किसान लोग हैं। अभी मैं खेत पे गया था, खेत में देखने गया था, रास्ता इतना खराब है। मैं खेत से जाने में इतना तकलीफ हुआ, आने में इतना तकलीफ हो रहा है। अभी चलो सूखा है, फिर बाद में धान कटने वाला है तो फिर बैलगाड़ी भी नहीं चल पाएगा। अभी सूखा चले जाएगा, फिर गीला हो जाएगा, पानी आ जाएगा तो बैलगाड़ी नहीं चल पाएगा। इसलिए हमको बहुत तकलीफ है इस रास्ता पे आने जाने के लिए। और पंडाल नहीं बनेगा तो वोट नहीं बनेगा। हम वोट नहीं देंगे। हम तड़की टोला वाले वोट का बहिष्कार करते हैं, इस चुनाव को बहिष्कार करते हैं जब तक हमारे यहाँ का पंडाल और तड़की टोला में रोड नहीं बनता है। और यहाँ हेडपम्प नहीं, यहाँ आंगनबाड़ी खुलवाया जाए तो सिर्फ कागजों में बना हुआ है तभी वोट दिया जाएगा। तड़की टोला वोट का बहिष्कार करता है। साहब आपका, आप जहाँ खड़े हैं ये कहाँ की रोड है? ये जो है बंधवा ग्राम पंचायत तैयारी से बंधवा टोला पहुँच मार्ग है। अच्छा, क्या इस रोड में दिक्कत है? दिक्कत सर इसमें आवागमन का जो है परेशानी होता है, बरसात के दिनों में न चल पा रहे हैं और पब्लिक जो है इतना परेशान है कि कीचड़ और गड्ढा के कारण। तो ये पूरी रोड में ऐसी है कि और सिर्फ यही पर? नहीं नहीं, टोटल ऐसी है, पूरी रोड में ऐसी है। कितने किलोमीटर ये रोड होगी? दो तीन किलोमीटर होगी सर लगभग। अच्छा, यानी पूरी रोड गड्ढों में तपती है। क्या नाम बताएं आपने? किसी पद पे हैं? कौन से गांव के? ग्राम पंचायत तैयारी नंबर एक। जो देखा भ्रष्टाचार को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पे
इस पंचायत में हुआ है, उस मामले को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया दें। रोड के काम जो हुए हैं आधे अधूरे हुए हैं, शौचालय काम आधे अधूरे हुए हैं, पीएम आवास के काम आधे अधूरे हुए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या होता है रोड में एक सीमेंट के आधार पर एक रोड बनता है, तो इतना तो नहीं है कि इकट्ठा ही डालते जाओ, जहाँ जरूरत पड़ रहा है वहाँ बनता रहे। अभी पंचायत के रोड के सामने मटेरियल गिरवा रहे, लेकिन रेत का रेट इतना हाई हो गया है कि रेत नहीं मिल रहा है, रोड नहीं बन रहा है। नहीं, सवाल ये अभी का है, इसके पहले रेट तो 1500, 1400, 1300 रुपये पुरानी बिकता था, आज भले वो आसमान छू रहा है, लेकिन उससे पहले जो भी आपके कार्यकाल में काम किए गए हैं उसमें लोगों ने आरोप आप पर लगाया है कि कुल मिलाकर के सचिव द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? काम स्कूल कैसे पहुंच पाते हैं आप? स्कूल जाते समय हमारे जूते और कपड़े कांधों में पूरे गीले हो जाते हैं और स्कूल इसी हालत में नहीं जा पाते हैं, इतना कीचड़ है कि स्कूल जाते समय इतना लेट हो जाता है। कितना किलोमीटर दूर है आपका स्कूल? 5 किलोमीटर दूर है। और हाईवे रोड? 2 किलोमीटर। बोलिए क्या क्या समस्या आ रहे हैं आपको? यहाँ पे हाईवा नेशनल से 2 किलोमीटर अंतर्गत आता है अपने बंधवा टोला, तो यहाँ पे इतना कीचड़ है कि बच्चे लोग यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, किसी को यदि तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गया, कोई नहीं निकल पाता है यहाँ से। न यहाँ पे कोई शौचालय बनाया गया है, न पे मोहल्ले के अंदर सीसी रोड है, न फिर यहाँ ये आवास का कोई ध्यान दे रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से, बिसाहू लाल विधायक जी से बहुत कोशिश किए बोलने में, ये लोग आते हैं बस वोट मांग के चले जाते हैं, यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं देता। एक बार वोट मांगने आते हैं फिर दोबारा लौट के यहाँ पे मुंह नहीं दिखाते। एम्बुलेंस आ पाती क्या यहाँ पे? एम्बुलेंस तो नहीं आ पाता है, एम्बुलेंस हाईवे नेशनल से थोड़ा सा कम से कम 20 से 25 मीटर के आगे से ही गाड़ी फंस जाती है। वहाँ पे आप देखे होंगे, आए होंगे तो रास्ते में कितना समस्या है, इतना कीचड़ है कि अब वहाँ से आदमी चलना मुश्किल हो पा रहा है। कहाँ लेके जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहे हैं सर। तो यहाँ ऐसी ही कोई एम्बुलेंस नहीं आती क्या? नहीं, रोड नहीं है सर यहाँ पर, रास्ता खराब है। अच्छा, तो इसलिए गाड़ियाँ नहीं आ पाती। जी क्या हो गया इनको? इनका तबीयत खराब है सर, लकवा की प्रॉब्लम। तो जब कोई बीमार पड़ता तो ऐसे ही लेके जाते हो हॉस्पिटल तक? जी। एम्बुलेंस नहीं आती यहाँ? नहीं आती। बताइए क्या क्या समस्या, कैसे कैसे जा रही है आपको? हमें रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, सब की समस्या है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके यहाँ? रोड। यहाँ से मुख्य मार्ग हाईवे रोड कितना दूर है आपके यहाँ से? 2 किलोमीटर। तो रास्ता सही है, खराब है? खराब है। कैसे करते हैं आप जाने के लिए? पैदल आत्र जाते हैं, कीचड़ में इधर उधर बिछलत। एम्बुलेंस? एम्बुलेंस आता नहीं है यहाँ तो कहाँ के? फिर कैसे कोई गर्भवती महिला या कोई पीड़ित व्यक्ति कैसे हो जाते हैं? परेशानी तो सरकार देखते नहीं है कि काम है की परेशानी है मोहल्ला में। ये कौन सा टोला कहते हैं आपके? ये बंधवा टोला है, ग्राम पंचायत कदम टोला के अंतर्गत बंधवा टोला है। जी, तो यहाँ सड़क नहीं बना है, तो कैसे कैसे समस्या जा रहे हैं आपको? यहाँ सड़क नहीं बना, हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ किसी को परेशानी हो जाता है, डिलीवरी केस हो गया, कोई बीमार हो गया जी, तो ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलता है, और यही जो है लोग परेशान होकर, बहुत से लोगों का यहाँ दम टूट गया इसी प्रकार से।
आपने कहाँ कहाँ इसका आवेदन दिया? इसका आवेदन जनपद पंचायत, मुख्यमंत्री बिसाहू लाल सिंह, विधायक को, कलेक्टर साहब को, सभी जगह पहुँचाया है। तो अभी तक उसका निराकरण नहीं किया? अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। आप क्या चाहेंगे, आप आगे क्या करेंगे आप? अब हमारा कहना है कि यहाँ शासन से हमारा अनुरोध है कि इस मोहल्ले में रोड दें और आंगनबाड़ी दें और सड़क बनवाएं, और मोहल्ले में आंगनबाड़ी सीसी रोड नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, मात्र एक ही हैंडपंप। हम लोग 30-40 साल से यही देखते चले आ रहे हैं कि यहाँ अब होगा विकास, अब होगा विकास, लेकिन आज तक नहीं हुआ। और हम 50-60 साल से यही विकास के इंतजार में पड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे आप? अब हम लोगों का यही है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं।